हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोशल, पूरे देश को नाले की गैस में उलझाकर पीएम मोदी ने अडानी को 21 राज्यों में गैस बेचने का ठेका दे दिया। मोदी सरकार पर लगातार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। पिछले कुछ समय में प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाने वाले उद्योगपति गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के आरोप सरकार पर बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल ही में हुई एक सरकारी बोली में गौतम अडानी की कंपनी को सरकारी कंपनी से ज्यादा गैस बेचने के लाइसेंस मिलने के बाद सरकार पर फिर से सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रविश कुमार नाम से एक ट्विटर अकाउंट ने लिखा कि पूरे देश को नाले की गैस में उलझाकर अपने मालिक अडानी को 21 राज्यों की सीएनजी पीएनजी गैस का ठेका दे दिया। दरअसल गौतम अडानी के समूह ने इलाहाबाद समेत 11 शहरों में सीएनजी बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लिए। बोली लगाने वाले 86 शहरों में से 48 के नतीजों के मुताबिक अडानी ने खुदरा सीएनजी से लेकर ऑटोमोबाइल और पाइप युक्त खाना पकाने की गैस के लाइसेंस हासिल कर लिए, जबकि देश की सबसे बड़ी गैस वितरण सीडीजी बोली से बाहर हो गई। चौंकाने वाली बात तो यह है कि किसी सरकारी कंपनी ने भी इतने शहरों में लाइसेंस प्राप्त नहीं किए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अनुसार सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 4 शहरों के अधिकार जीते। अन्य सरकारी कंपनी पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक इकाई भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड ने 6 शहरों के लिए लाइसेंस प्राप्त किए, जबकि पिछले महीनों में बोली के दौर खत्म हुआ। आईओसी बीपीएसीएल अडानी गैस लिमिटेड शीर्ष बोली दाता थे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अडानी समूह को सबसे ज्यादा लाइसेंस गुजरात और उत्तर प्रदेश के शहरों में मिले। पीएनजीआरबी के मुताबिक अडानी गैस ने गुजरात के सुरेंद्रनगर, बरवाला, नवसारी, खेड़ा और पोरबंदर जिलों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, इलाहाबाद और ओडिशा के बालासोर, बिहार के गया और कर्नाटक के कन्नूर के अधिकार जीते हैं। अभी बैंकों का 1,00,000 करोड़ और डुबोकर जाएंगे मोदी, एनपीए कम करने में नाकाम हुई सरकार। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए भारतीय बैंकों के लिए वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। बैंक में बढ़ते बैंक घोटाले इसकी वजह माने जा रहे हैं। आने वाले कुछ समय में एनपीए में 1,00,000 करोड़ रुपए की रकम और जुड़ सकती है। वर्तमान सरकार पर इसके लिए कई तरह के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि बैंक घोटाले और एनपीए दोनों ही मोदी सरकार के कार्यकाल में पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गए। सरकार पर इन कर्जों की वसूली ना कर पाने और उद्योगपतियों की हिमायती बनने के भी आरोप लग रहे हैं। एनपीए बैंकों का वो लोन होता है जिसके वापस आने की उम्मीद नहीं होती। इस कर्ज में 90% से ज्यादा हिस्सा उद्योगपतियों का है। अक्सर उद्योगपति बैंक से कर्ज लेकर खुद को दिवालिया दिखा देते हैं और उनका लोन एनपीए में बदल जाता है। यही उस लोन के साथ होता है जिसे बिना चुकाए नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं। लाइफ मिंट ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि मार्च 2018 तक 6.6 लाख करोड़ रुपए के कई लोन की अदायगी लगातार नहीं हुई। इनमें से 3.1 लाख करोड़ रुपए के लोन को बैड लोन के रूप में पहचाना जा सकता है। ट्रांस यूनियन CIBIL का मानना है कि कुछ महीनों में इनमें से 1.04 लाख करोड़ रुपए के लोन की एनपीए बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इनमें से 1,00,000 करोड़ रुपए के लोन सरकारी बैंकों से हैं और बाकी निजी। जून तिमाही में जिस तरह के बैंक घाटों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। लगातार सामने आ रहे बैंक घोटालों के चलते पिछले कुछ महीनों से बैंकों का घाटा बढ़ता जा रहा है। देश के 21 सरकारी बैंकों में से 15 को 2017-18 की चौथी तिमाही में 47,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा हो चुका है। सरकारी बैंकों के एनपीए में भी पिछले कुछ सालों से इसी तरह की बढ़ोतरी देखी गई। रिजर्व बैंक ने बताया कि मार्च 2018 में एनपीए 10.40 लाख करोड़ पहुंच चुका है, जबकि 2013-14 में ये 2,40,000 करोड़ था। देश में लगभग 90% एनपीए सरकारी बैंकों का ही है। 2014 से पहले फर्जी अर्थशास्त्री बनकर मोदी का प्रचार करने वाले श्री श्री रविशंकर और चेतन भगत को खोज रहा सोशल मीडिया। रुपया लगातार गिरावट के नए रिकॉर्ड बना रहा है। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 70 के आंकड़े को भी पार कर गया। इस साल 1 जनवरी को डॉलर के मुकाबले रुपये भारतीय रुपया 63.38 रुपए के स्तर पर था। इसके बाद से इनमें ज्यादातर गिरावट का दौर ही देखने को मिला। इस साल की शुरुआत से रुपये में अब तक 10% और इस महीने में अब तक 2.4% की गिरावट आ चुकी है। डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार आ रही गिरावट के बाद सोशल मीडिया पर उन तमाम लोगों को याद किया जा रहा है जो मनमोहन सरकार के दौर में रुपए के गिरते स्तर पर हाहाकार मचा रहे थे। 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले डॉलर के मुकाबले रुपए करीब 60 के स्तर पर था। आम चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि यूपीए सरकार और रुपए में गिरने का कंपटीशन चल रहा है।
उन्होंने कहा था कि जब देश आजाद हुआ था तब $1 की कीमत ₹1 के बराबर थी। जब अटल जी की सरकार आई तब यह ₹42 पर जा पहुंची और यूपीए सरकार में इसकी कीमत ₹60 तक आ गई। मोदी सरकार ने कहा था कि यूपीए सरकार इससे निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, इसलिए डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता ही जा रहा है। उस वक्त ऐसा कहा जा रहा था कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो डॉलर के मुकाबले रुपया 40 हो जाएगा। मोदी सरकार के समर्थक कहे जाने वाले श्री रविशंकर ने ट्वीट कर कहा था, ये जानकर ही ताजगी आ जाती है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही डॉलर की कीमत ₹40 हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर 4 साल से ज्यादा हो गए और रुपया कभी 40 के आसपास पहुंचा ही नहीं। श्री रविशंकर के साथ ही मोदी सरकार के करीबी माने जाने वाले लेखक चेतन भगत का भी ट्वीट सोशल मीडिया पर घूम रहा है, जिसमें उन्होंने इस मुद्दे को लेकर तत्कालीन मनमोहन सरकार और गांधी परिवार पर निशाना साधा था। उन्होंने 10 जून 2013 को ट्वीट कर लिखा था, रुपया लगातार गिर रहा है और इस पर बोलने के लिए ना तो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के पास कुछ है और ना ही गांधी परिवार के पास। इसके साथ ही पत्रकार रोहित सरदाना का भी एक ट्वीट वायरल हो रहा है। 26 जून 2013 के इस ट्वीट में सरदाना ने तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर हमला बोलते हुए कहा था, चिदम्बरम साहब ने झुकना सीखा होता तो शायद गिरे हुए रुपए को जरूर उठा लेते। इमरान खान के शपथ ग्रहण में शिरकत करने पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, बोले मैं अटल जी की तरह अमन का पैगाम लेकर आया हूं। पूर्व क्रिकेटर और पंजाब में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। उनसे पत्रकारों ने कई सवाल पूछे, जिनमें से उन्होंने पाकिस्तान से अच्छे रिश्तों से लेकर और दोनों देशों के बीच क्रिकेट शुरू करवाने के बारे में पूछा गया। सिद्धू ने बड़े मन से सभी सवालों के ज्यादातर जवाब पंजाबी और हिंदी भाषा में दिए। पाकिस्तान पहुंचते ही उन्होंने कहा कि आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आने का शोक भी है, मगर मैं उन्हीं की तरह दोनों देशों के बीच अमन का पैगाम लेकर आया हूं। सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होने जा रहे इमरान खान की तारीफ करते हुए उन्हें एक चरित्रवान इंसान बताया और कहा कि मैं एक राजनेता के नाते नहीं बल्कि दोस्त के नाते आया हूं। उन्होंने कहा कि उनके आने से भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधरने की उम्मीद जग गई है। पूर्व क्रिकेटर ने यह भी कहा कि मैं उनके तोहफे में कश्मीर की शॉल लेकर आया हूं, जो मैं खुद पहनता हूं। सिद्धू ने पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए कहा, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीरानों को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं, गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। बता दें कि इमरान खान पाकिस्तान के पीएम पद की शपथ लेने वाले थे। इमरान ने भारतीय क्रिकेटर दोस्तों को अपने शपथ ग्रहण के लिए न्योता भेजा। इमरान ने भारत के 1983 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान कपिल देव, महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर और सिद्धू को अपने शपथ के लिए आमंत्रण भेजा था। स्वामी अग्निवेश पर हुए हमले पर बोले प्रशांत भूषण, मोदी के भक्तों की इस हरकत से आज अटल जी की आत्मा रो रही होगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे, उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके विरोधी भी पहुंचे रहे। ये अटल जी जिन्होंने दूसरों के कामों की तारीफ की और हमेशा देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मुरीद बने रहे, मगर उन्हें श्रद्धांजलि देने जाते वक्त स्वामी अग्निवेश पर लोगों ने हमला बोल दिया। ये तब हुआ जब भारी सुरक्षा के बीच वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। कुछ लोगों ने उन्हें गद्दार कहते हुए उनके साथ हाथापाई कर दी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पूर्व पीएम अटल जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे स्वामी अग्निवेश के साथ बीजेपी मुख्यालय में हाथापाई, बाहर खड़े भाजपाइयों ने उनको गद्दार कहकर मारपीट की, अटल जी की पार्टी को कहां ले आई ये मोदी और शाह के भक्त, ये सब देखकर आज अटल जी की आत्मा रो रही होगी। गौरतलब है कि अग्निवेश ने NDTV से बात करते हुए कहा, मैं आज अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने अपने आर्य समाज के साथी के साथ गया। हम पैदल ही जा रहे थे और हम बीजेपी मुख्यालय के नजदीक पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद मैंने हर्षवर्धन जी से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि आप आराम से भीतर आ जाइए। इससे पहले भी मेरी उनसे बात हो चुकी थी, तभी अचानक से मेरे खिलाफ नारेबाजी हुई और कुछ लोग गद्दार कहने लगे, मुझे बुरी तरह से मारा गया। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार।